गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास टेंथ यूनिट वन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पीछे वाले लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हमें प्रूव करना है कि जो 3 + 2√5 है वो इरेशनल है। तो हमने पहले राइट कर लिया सारा के सारा। लेट अस सपोज दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। तो हमने माना क्या कि जो 3 + 2√5 है वो रैशनल है और साथ में a एंड b आर को प्राइम। तो a एंड b आर को प्राइम नंबर्स हैं, उसमें b 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो हमने राइट कर लिया 3 + 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b। जब हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड लेके जाएंगे तो जो 3 है वो प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो क्या आया, a अपॉन b माइनस 3 इक्वल्स टू 2√5। उसके बाद हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम b आया और a माइनस 3 भी आ गया और 2 + 2√5 एज इट इज लिखा और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो आ गया a माइनस 3b अपॉन 2b इक्वल्स टू 5। उसके बाद सिंस a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, तो a एंड b क्या है, इंटीजर हैं। तो दोबारा हमने राइट कर लिया a माइनस 3b अपॉन 2b। तो जो भी a और b थे वहां पे क्या है, अब इंटीजर। तो हमने जहां जहां a और b थे वेरिएबल्स थे वहां वहां इंटीजर्स राइट कर लिए। तो जो इंटीजर्स थे वो सारे के सारे रैशनल नंबर आ गया। तो अनरूट 5 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, ये सारा की सारा रैशनल नंबर है और इसके बराबर क्या है, रूट 5। तो रूट 5 के बराबर क्या आ गया, रैशनल नंबर। तो रूट 5 इज इरेशनल, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो जो रूट 5 है वो इरेशनल था, हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी। हेंस अनरूट 3 + √2√5 इज इरेशनल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें दोबारा से क्या बनाना है, इरेशनल। तो पहला पार्ट है 1 / √2। हमने इसके सॉल्यूशन में पहले जो 1 / √2 था उसकी रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रूट टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। बोलने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और न्यूमिनेटर को भी। जब दो बार रूट मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर लगाते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास आ गया √2/2। अब हम दोबारा से इक्वेशन बनाएंगे, हम लिखेंगे लेट अस सपोज दैट √2/2 इज रैशनल। ओके, तो उसके बाद लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम्स। a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद 2/2 a अपॉन b, हमने राइट कर लिया √2/2 इक्वल्स टू a अपॉन b। अब इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √2 बचा, 2 a अपॉन b आ गया। तो दोबारा से हम प्रूव कर चुके हैं कि दो इंटीजर्स हो तो जो रूट टू है वो रैशनल कहलाता है। तो a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स इज अ
रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर. तो हमने लिखा ए एंड बी आर इंटीजर एंड इज अ रैशनल नंबर. तो हमारे पास क्या आ गया, 2a अपॉन बी इक्वल्स टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर. तो हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर के बराबर है. तो जो हमने माना था वो क्या हो गया, जब अंडर रूट 2 एक रैशनल है तो जो हमने माना वो गलत है. तो अंडर रूट 1 अपॉन रूट 2 एक इज इरैशनल, इरैशनल. इसी के साथ हमारा इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी हो जाता है. अब हम थर्ड का ही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. थर्ड का सेकंड पार्ट है 7√5. हमें पूरा की पूरा क्वेश्चन एज इट इज करना है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे. तो हम एक बार दोबारा से वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखा. फर्स्ट लाइन लिखी थी हमने, लेट अस सपोज दैट 7√5 इज इरैशनल, इज रैशनल. हमने लिख लिया और उसके बाद लिखा था ए एंड बी आर को प्राइम्स, वेयर बी नॉट इक्वल्स टू 0. तो आ गया हमारे पास 7√5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी. जो अब √5 इक्वल्स टू ए अपॉन 7b. और देन नेक्स्ट लिखा था हमने ए एंड बी आर इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर. तो हमारे पास आ गया ए अपॉन 7b इक्वल्स टू रैशनल नंबर. ए और बी क्या है, हमारे रैशनल नंबर है. तो जो रूट फाइव आ गया वो क्या होगा, रैशनल नंबर के बराबर. जैसे देखो ए अपॉन 7b रैशनल आ गया, तो रैशनल नंबर की जो यहां लिखा है इसकी जगह पे, तो रूट फाइव इक्वल टू रैशनल. तो हम दोबारा बोल सकते हैं हमारा जो क्या बचा, 7√5 इज इरैशनल. ओके. तो जो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6√2. सिक्स प्लस अंडर रूट टू. तो हमें ये क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन के जैसे ही करना है. तो हम डायरेक्ट लिखते हैं. हम लिखेंगे पहले लेट अस सपोज दैट 6 प्लस अंडर रूट टू इज रैशनल नंबर. उसके बाद क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर को प्राइम्स वेयर बी नॉट इक्वल्स टू 0. मैं उसके बाद वाला स्टेप लिख रहा हूं डायरेक्ट, 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन बी. ओके, अब 6 इस साइड को जाएगा तो ए अपॉन बी माइनस 6 अंडर रूट 2. उसके बाद एलसीएम लिया, ए माइनस 6b अपॉन बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2. तो हमने पहले पढ़ लिया ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी क्या है, इंटीजर है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू इक्वल्स टू
ए माइनस सिक्स बी अपॉन बी, हम राइट करेंगे ए की वैल्यू, ए क्या हो गया इंटीजर हो गया, तो इंटीजर लिखा और सिक्स मल्टीप्लाई इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर। तो जब हम बार बार इंटीजर लिखते हैं तो क्या आता है इंटीजर, रैशनल नंबर। बोलने का मतलब हम फ्रैक्शन में जब हम क्या करें इंटीजर्स को सॉल्व करें तो लास्ट में वो रैशनल नंबर की फॉर्म में आता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है। क्योंकि इंटीजर की हमने कंडीशन भी तो पढ़ी है कि जो b है वो क्या आएगा नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो b अगर कभी भी जीरो नहीं आएगा तो क्या बनेगा एक पूरा की पूरा रैशनल नंबर बनेगा। तो इससे प्रूव हो जाता है कि रूट टू क्या है एक रैशनल नंबर है। तो इसी से द फैक्ट दैट, इसी से पता लगता है हमें क्या अंडर रूट टू इज इरेशनल, इरेशनल नंबर। ओके।